भाई भी ना, ये दादी के इमोशनल अत्याचार के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत कर ही लेगा। समझ में भाई? पूरब, व्हाट द हेल, मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ एंड यू नॉट इवन पिकिंग अप माय कॉल्स। व्हाट्स रॉन्ग विद यू पूरब? यू वर कॉलिंग, आई एम सो सॉरी, मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव नहीं था। ओके फाइन, आई गेट इट, माय फॉल्ट। मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी लेकिन तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। और मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज देने वाला हूं। दादी, सालों पहले हमने एक बात की थी, अब उसका वक्त आ गया। तुम दोनों तैयार हो ना? एक साल बीत चुका है और अब आलिया की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। अब इस पटाखा को तू ही संभाल, ये मुझसे नहीं संभलती। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। भाई ये काटती हो? काटते नहीं ये? हाँ। क्या हुआ, क्या कहाँ खोया था तू? नहीं कुछ नहीं। अरे बोलना क्या हुआ? यार अरविंद, आज ना एक अजीब सी बात हुई, लेकिन उस बात का क्या मतलब निकालूं मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हुआ क्या? लेकिन वो आज ना हम खरीदारी के लिए गए थे, माँ ने कहा था कि प्रज्ञा के लिए साड़ियाँ खरीदनी और बुलबुल भी हमारे साथ थी, और वहाँ पे मैंने बुलबुल को छोड़ यार। कुछ नहीं। क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ, तूने क्या देखा? कुछ नहीं यार। अबे बोलना यार। यार वहाँ पे मैंने बुलबुल को एक लड़के से ना बात करते हुए देखा, और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसका बॉस है। लेकिन लेकिन क्या? नहीं मतलब तुझे तकलीफ किस बात से हो रही है, कि वो उसका बॉस था, या इस बात से कि बुलबुल किसी और लड़के से बात कर रही थी? अरविंद मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और तू क्या बोल रहा है यार? भाई सुन, तूने प्रज्ञा से कहा है कि तू उसे चाहता है और तूने बुलबुल को भुला दिया। हाँ मैंने प्रज्ञा से कहा है, और मैं बुलबुल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है? मैं बुलबुल के बारे में, वाह वाह, बिना सोचे तेरा ये हाल है कि सोच सोच के बेहाल हो रहा है कि वो किससे बात करती है, किससे मिलती है। यार देख, तुझे जो करना है ना कर, बस सोच समझ के कदम रखियो। देख मैंने प्रज्ञा से वादा किया कि मैं शादी को निभाऊंगा, और मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ सच सच बताया। और अरविंद तू देख लेना कि यही सच्चाई हमारी शादी की बुनियाद होगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तेरी सच्चाई पे कोई शक नहीं है सुरेश, अगर शादी पर, जाने क्यों मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तेरे और बुलबुल के सारे शादी के जेवर, बुलबुल के शादी के लिए पैसा। एक एक मिनट में देखती हूँ। हम लोग गए तो सब सामान इधर ही था ना? 1.5 लाख रुपए भी यही रखते थे वो पीछे। अदिति आपको अच्छे से याद है कि आपने पैसे और जेवर इस कवर्ड में रखे थे? मुझे अच्छे से, मंदिर जाने से पहले मैंने वही रखे थे, वही पर रखे थे, मुझे याद है जितनी। क्योंकि कोई तोड़ फोड़ भी नहीं हो रही, लॉक भी ठीक है। चोर आया कहाँ से? ठीक कह रहे हो सुरेश, अगर वाकई चोरी हुई होती है तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहता, लेकिन सब कुछ वैसे ही है, पीछे का दरवाजा भी बंद है। मतलब ये कि चोरी जिसने भी की है उसे अच्छे से पता था कि जेवर और पैसे कहाँ रखे जाते हैं और चाबी कहाँ होती है। चोरी किसी घर के आदमी ने की है? चाबी, चाबी कहाँ रखे थे? चाबी दीदी, चाबी तो अपने माधवी दी को दिया था ना? आपने तो संभाल के ताला लगाया होगा ना? कैसी बातें कर रही है? माधवी जी तो अपने अपने सामान से ज्यादा हमारे सामान का ध्यान रखती, उन्होंने तो ठीक से ही लगाया होगा। माधवी जी मैंने मैंने ही अच्छे से ताला लगाया था, और तभी रचना ने आवाज दी थी। ये क्या माधवी जी, क्या गजब कर दिया आपने, दो दो लड़कियों का घर है, मतलब ऐसे में आपने ऐसा कुछ कर दिया कि सारी की सारी जमा पूंजी ही निकल गई। क्या समय चल रहा है, कम से कम ये तो सोचा होता
ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत दीदी, कि कैसी लापरवाही है। या बेचारी का तो जो गया सो गया ही, और बुलबुल का क्या, उसके गहने, हे भगवान उसकी शादी, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ दीदी क्या होने वाला है। मामी जी एक मिनट, आंटी जी प्लीज आप परेशान मत हो जाइए। देखिए देखिए, सिर्फ जेवर ही तो नहीं गए, जो कैश रखा था वो भी गया। आंटी जी ये किसी की लापरवाही से ये सब नहीं हुआ है, बहुत सोच समझ कर किया गया है। जिसने भी चोरी की है इतनी सफाई से की है कि घर की कोई चीज हिली तक नहीं। दादी इतना क्या सोच रही हो, आराम से लेट जाओ। तेरे ही बारे में सोच रही थी, कैसा लगेगा अगर तेरी शादी हम पंजाब जाकर करें, पिंड में। मेरी शादी किसी पिंड में नहीं होगी, उदयपुर के लेक पैलेस में होगी। डेस्टिनेशन वेडिंग दादी, यू गेट इट। पूरा बहुत सीधा साधा बंदा है, वो नहीं मानेगा तेरी बात। हेलो दादी, शादी मेरी है तो डेस्टिनेशन मैं डिसाइड करूंगी, और कितने पैसे खर्च करने हैं ये भी मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। व्हाट्स अप लेडीज, क्या बातें चल रही है। मेरी शादी पिंड में कराने की बात करिए दादी। और ये उदयपुर जाना चाहती है। ए, दादी तेरी शादी मुंबई में होगी भाई। बट कोई बहस नहीं, बहुत सारे लोगों को बुलाना है, तू अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से आई है, सभी लोग तेरी शादी पर आना चाहते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं कि अभी अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करेगा। भाई लेकिन मेरे को, भाई मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ बैठा है। पूरा चले। हेलो, विवाह वाला मुंडा आ गया, इससे भी कुछ पूछ लो। अरे दादी इससे पूछने की जरूरत नहीं है, इसने मुझसे वादा किया था 10 साल पहले, इसने मुझे कमिट किया था कि जो मैं कहूंगा वही करेगा, और मैं जानता हूँ कि आज भी पूरब मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, इसलिए तो खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ मैं पूरब पर। इस अकड़ू लड़की को यही संभाल सकते हैं, और इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। प्लीज भाई ये कहिए कि मुझसे अच्छी लड़की पूरब को कभी मिल ही नहीं सकती। मेरी बात सुनो, दिन डिसाइड करो और कहाँ करनी है शादी ये डिसाइड करो। दादी आपको हर चीज की इतनी जल्दी रहती है क्या। अरे तेरी शादी के बाद इसकी शादी होनी है ना। अरे दादी बात इन दोनों की शादी की चल रही है, आप मुझे बीच में क्यों ला रहे हो। अब देखना दादी, इन दोनों की शादी इतनी धूमधाम से करवाऊंगा ना, पूरा हिंदुस्तान आएगा इनकी शादी पर, स्पेशल परफॉर्मेंसेस, डांसेस, म्यूजिक कॉन्सर्ट, क्या क्या नहीं होगा। यू माय फ्रेंड अ लकी गर्ल। मेरी जमीन छीनी थी ना, मेरे ही पैसों से ये गहने बनवाए हैं, अब कर लो शादी। कैसे आती हैं इस घर में खुशियां, मैं भी तो देखूं। जब तक इन लोगों को होश आएगा तब तक ये सारे गहने मैं ऐसे सुनार को दे आऊंगी कि इसका हुलिया ही बदल देगा। अपनी माँ का एक काम करा दे। ये पार्सल अपने घर पालघर रखा इतनी रात को। हाँ। पापा पूछेगा तो क्या कहूंगा, सुबह चला जाऊंगा ना, अभी सोने दो माँ। चल ठीक है, अच्छा मैं नाश्ता लगा रही हूँ, जल्दी आ जाइए। जी खोलो। आधा अमाउंट बुलबुल अरोड़ा के नाम और आधा अमाउंट बच्चू श्रीवास्तव के नाम। दोनों को संभाल के रखो, मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम। सुरेश मैं ये नहीं ले सकती। क्यों प्रज्ञा? देखो प्रज्ञा हमारी शादी होने वाली है, तू मेरी अर्धांगनी बनने वाली हो, इसका मतलब समझती हो, हर चीज में आधी के हिस्सेदार। तुम्हारी घर की जिम्मेदारियां ना सिर्फ तुम्हारी है बल्कि मेरी भी। इस पैसे पे जितना हक बच्चों का है उतना ही हक बुलबुल का भी है। प्लीज सर, तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये जो किया है वो मैं, वो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।